नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में कोविड 19 के एक दिन में 61,537 नए मामले आने के साथ ही शनिवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20,88,611 तक पहुँच गई है, जबकि 933 लोगों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या 42,518 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना वायरस के 14,27,005 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 68.25% तक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 6,19,088 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 29.64% है। एक दिन में वैश्विक महामारी के 61,537 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामले 20,88,611 तक पहुंच गए हैं। ये लगातार 10वां दिन है जब कोविड 19 के एक दिन में 50,000 से ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञानिक अनुसंधान परिषद के अनुसार शुक्रवार को 5,98,778 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 2,33,87,771 लोगों की कोविड 19 की जांच की जा चुकी है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अब तक 1,43,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,27,000 लोग कोरोना संक्रमित से ठीक हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए दिल्ली दस्तक के साथ। धन्यवाद।